वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप ये फेस पहली बार देख रहे हैं तो हाई, आई एम सुप्रिया, आई मेक वीडियोस अबाउट लाइफस्टाइल, फैशन, हॉल एंड ट्रैवल। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इट विल रियली हेल्प माई चैनल टू ग्रो। सो मुझे आप लोगों से ना काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे टू शेयर माई रिव्यू ऑन H&M हैंड बैग्स। तो मैंने कुछ हैंड बैग्स एंड फुटवेयर परचेज किया है फ्रॉम H&M, ऑल्सो देयर इज वन फुटवेयर फ्रॉम वेस्ट साइड, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी। तो इन सबके जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं। और चलो अब बिना देरी किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट बैग जो मैंने परचेज किया है फ्रॉम H&M वो है दिस जूट बैग। तो ये एक स्ट्रक्चर जूट में टोट बैग है एंड आई रियली लाइक दिस ब्लैक स्ट्रैप्स जो कि उसके ऊपर लगे हुए हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैप्स ना इसका जो लुक है वो काफी ज्यादा यूनिक सा आ रहा है। इसमें आपको बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाएगा, इसके अंदर आपका बहुत सारा सामान फिट इन हो सकता है। बट इसके अंदर आपको कोई भी बटन या फिर चेन वगैरह नहीं मिलता है। इस वाले बैग की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड ये जो इसके स्ट्रैप्स है ना वो है PU लेदर में एंड इनकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एंड इस वाले बैग की जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो है 3000 रुपीज, बट दिस बैग वॉज ऑन फ्लैट 50% ऑफ एंड ये मुझे मिला है फॉर 1499 रुपीज। एंड कंसिडरिंग ये H&M का है एंड इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है, सो आई थिंक 1500 इज अ वेरी गुड प्राइस फॉर दिस बैग। इस वाले बैग को आप फॉर बीच वेकेशन यूज कर सकते हो या फिर फॉर योर इंडो वेस्टर्न एंड फॉर इंडियन आउटफिट्स भी ये चल जाएगा। अगर आपको कॉलेज में लाइक ज्यादा चीजें कैरी नहीं करनी है तो भी आप इसको फॉर कॉलेज पर्पस यूज कर सकते हो। मुझे ये बैग काफी ज्यादा पसंद आया, काफी यूनिक सा पीस है एंड या अगर आपको ये सुंदर लग रहा है डेफिनेटली गो अहेड एंड परचेज दिस वन इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू शेयर माई होली ग्रेल प्रोडक्ट फ्रॉम द डमाको। वी ऑल डिजायर नेचुरली ग्लोइंग स्किन विदाउट पुटिंग एनी मेकअप और फोटो फिल्टर्स। इट्स नॉट ऑलवेज इजी बिकॉज डर्ट, पॉल्यूशन एंड लाइफ स्टाइल कैन लीड टू मेनी कंसर्न लाइक अनइवन स्किन टोन, एक्ने ब्रेकआउट, एक्ने मार्क्स, डेड स्किन सेल एंड ऑल्सो क्लॉग्ड पोर्स। प्रोफेशनल ट्रीटमेंट एंड सैलून पैकेजेस कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। वी ऑल नीड प्रोडक्ट्स लाइक डर्माको 15% AHA and 1% BHA solution, which is an ultimate exfoliating solution for glowing and radiant skin. Dermaco peeling solution comes in two different concentrations. अगर आप beginner हो in chemical peeling, तो आप 15% AHA, 1% BHA beginners face peeling solution के लिए जा सकते हो. And once आपकी skin used to हो जाए to chemical peeling, then you can switch to 30% AHA and 2% BHA face peeling solution. It has glycolic acid, which is a form of AHA alpha hydroxy acid, which are water soluble acid that exfoliate the surface of the skin. It fights acne, remove dead skin cell and minimizes pores. It also contains salicylic acid, which is a BHA beta hydroxy acid, which are oil soluble acid that go deep into the pores and remove dead skin cells and excess sebum. It target in large pores and acne. Start with clean and dry face. Apply the peeling solution avoiding the eye area and lips. आपको एक warm और tingling sensation हो सकती है और ये completely normal है. Then rinse it off with cold water. Follow it up with a moisturizer. Avoid using other actives after using this peeling solution. All you need is 10 minutes weekly and this product to fight dullness, uneven skin tone, large pores and also blemishes. I will recommend you to use this peeling solution in night time and please ensure कि आपने एक broad spectrum sunscreen apply किया है the next morning. All new Dermaco products are now fragrance free. Also, I will recommend you to do a patch test before trying out this product on your face. Also, Dermaco have their young scientist initiative where every time you buy from them, they will link your order to a child that they help to educate along with Bhumi. Dermaco has pledged to educate 10,000 plus students as a part of this initiative across this year. If you want to try out this product, you can use my discount code SOOPY2022 to avail 20% off on the dermaco.com. This product is also available on Amazon, Nykaa and Flipkart without my discount code. Also, this is not an affiliate code, it is just for you guys. And I absolutely love this product. You can also definitely try this out. Next up, I have this really pretty green colored tote bag. So, this bag pe na meri kaafi time se nazar thi, but iska jo fabric hai na, uske hisab se this bag was very over price. So originally this bag was for 2299 rupees and for 2300 rupees this bag is not at all worth it. But then I saw this bag on Myntra on huge discount. So ye wala bag na Myntra pe mil raha tha for 1149 rupees. Also is pe na 10% extra off bhi tha. To ye mujhe mila around 1000 rupees ke aas paas
एंड फॉर 1000 रुपीज ना इतना बड़ा सा H&M का बैग इज अ स्टील डील। तो ये भी एक टोट बैग है, इसका ना कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, आपको ना इसके अंदर बहुत सारा सामान स्टफ करना पड़ेगा, देन इट विल रिटेन इट्स शेप। एंड दिस बैग इज ह्यूज फ्रॉम इनसाइड। इसके अंदर में ना आपको एक ये छोटा सा स्मॉल कंपार्टमेंट भी मिल जाता है विथ अ चेन। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं मिलता है फॉर क्लोजर, नो बटन, नो चेन, नथिंग। इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है ना वो काफी यूनिक सा मटेरियल है। H&M में कॉल दिस फैब्रिक टेरी फैब्रिक। दिस फैब्रिक इज वेरी सिमिलर टू जो फाइबर वाले टॉवल्स आते हैं ना, लाइक वेरी वेरी फाइन फाइबर वाले टॉवल्स, उस टाइप का इसका कुछ फैब्रिक है। एंड आई एब्सोल्युटली लव दीज पैटर्न्स एज वेल जो कि इसके ऊपर हो रखे हैं। आई थिंक दिस बैग इज परफेक्ट फॉर एयरपोर्ट लुक्स। आप ना इसके अंदर बहुत सारा सामान फिट इन कर पाओगे, या फिर इफ यू आर समवन जिसको कि काफी सारा सामान अपने साथ कैरी करना पसंद है, या फिर अगर आप कॉलेज या फिर ऑफिस जाते हो ना तो भी आप इसके लिए जा सकते हो। इट इज सच अ स्पेशियस बैग। नेक्स्ट बैग फ्रॉम H&M इज दिस ब्लू कलर फर बैग। तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो है 1500 रुपीज, बट ये मुझे मिला है ऑन फ्लैट 50% ऑफ फॉर जस्ट 750 रुपीज। तो ये एक स्लिंग बैग और अ क्रॉस बॉडी बैग है। एंड वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस बैग दैट इट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस इन इट। लाइक ये ना दिखता काफी ज्यादा छोटा सा है, बट इसके अंदर ना काफी अच्छा खासा स्पेस है। ऑल्सो फॉर क्लोजर इट हैज दिस बटन। जो फर वाला फैब्रिक इसमें यूज किया गया है ना वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट और ये ना बिल्कुल भी लाइक श्रेड नहीं हो रहा है। आप इस वाले बैग को फॉर कॉलेज और फॉर डेली वेयर पर्पस यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपका बहुत सारा सामान फिट इन हो जाएगा, इवन आपके बुक्स एंड कॉपीज वगैरह भी इसके अंदर आ जाएंगे। इफ यू आर समवन जिसको इस टाइप के क्यूट बैग्स अच्छे लगते हैं ना, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड फॉर दिस वन। काफी क्यूट सा बैग है एंड काफी अच्छी क्वालिटी का भी है। फॉर 750 बहुत ही अच्छा बैग है, डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। सो जो लास्ट बैग है ना वो मेरा फेवरेट बैग है फ्रॉम दिस हॉल, और वो है दिस ब्लैक कलर बैग। सो ये वाला बैग ना बिल्कुल भी सेल पे नहीं था। ओरिजिनली इट वॉज फॉर 1500 रुपीज एंड मैंने उतने में ही इसको परचेज किया है। सो देयर इज मल्टीपल टू स्टाइल दिस बैग। ओके, सो फर्स्ट ना आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हो। फॉर द नेक्स्ट लुक ना आप इस वाले कॉइन पर्स को यहाँ से रिमूव करके एंड इसको एज अ स्लिंग बैग यूज कर सकते हो। उसके बाद ना आप इस वाले स्लिंग स्ट्रैप को रिमूव करके इसको एज अ शोल्डर बैग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आप इसके स्ट्रैप को ना एज अ बेल्ट यूज कर सकते हो। एंड लास्ट आप इस वाले कॉइन पर्स को सेपरेटली अपने जीन्स का जो हुक होता है ना उसमें अटैच करके एज अ कॉइन पर्स भी यूज कर सकते हो। फॉर क्लोजर इट हैज दिस चेन एंड इसके अंदर ना आपको बहुत ही अच्छा स्पेस भी मिल जाता है। एंड आई पर्सनली रियली एंजॉय वेयरिंग शोल्डर बैग्स, दे आर माय फेवरेट काइंड ऑफ बैग्स। का जो मटेरियल है ना वो है PU लेदर मटेरियल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसका मटेरियल है एंड ये आपको काफी अच्छे टाइम तक लास्ट भी कर जाएगा। वाले बैग में उनके पास एक बेज कलर ऑप्शन भी है, तो अगर आपको वो कलर अच्छा लगता है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस ब्लैक कलर। अ वेरी गुड क्वालिटी, वेरी वर्सेटाइल पीस एंड लाइक 1500 रुपए ना आपके पूरे वसूल हो जाएंगे अगर आप इसको परचेज करते हो तो। आई जस्ट लव दिस बैग एंड यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट अप आई हैव टू फुटवेयर विथ मी, एक है H&M का और एक है वेस्ट साइड से। सो फर्स्ट मैं आपको H&M वाला दिखा देती हूँ। सो फ्रॉम H&M आई हैव गॉट दीज ब्लैक कलर स्लाइडर्स। सो दीज आर इन दिस ब्रेडेड पैटर्न एंड इस टाइप के जो ब्रेड्स वाले फ्लैट होते हैं ना वो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है एंड स्पेशली H&M पर ना आपको इस टाइप के बहुत सारे फ्लैट्स एंड स्लाइडर्स देखने को मिल जाएंगे। ऑल्सो इट हैज दिस स्क्वायर पैटर्न आगे भी एज वेल एज एट दी बैक। के अंदर जो कुशनिंग की हुई है ना वो इतनी ज्यादा अच्छी है, लाइक दीज फ्लैट्स आर सुपर डुपर कम्फर्टेबल। मैंने इसको परचेज किया है इन द साइज UK 7 यूरोपियन 40 एंड ये मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है। I am absolutely amazed by its quality and I will definitely pick more pieces from H&M from their footwear section. इसकी जो MRP है वो है 1299 रुपीज, बट ये मुझे सेल पे मिला है जस्ट फॉर 799 रुपीज एंड आई थिंक फॉर दिस प्राइस बहुत ही अच्छा पीस है। एंड द लास्ट आइटम ऑफ टूडेज हॉल आर दीज रियली प्रिटी पर्ल फ्लैट्स फ्रॉम वेस्ट साइड। सो दीज आर बाय द ब्रांड लूना ब्लू। मैंने इसको लिया है इन द साइज UK 7 यूरोपियन 40 एंड ये मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है। आई मीन जस्ट लुक एट दीज फ्लैट्स, ये कितने सुंदर से है, लाइक कोई इसको कैसे नहीं परचेज करे यार। सो इट हैज दिस न्यूड बेस एंड इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है। एंड देन इट हैज दीज थ्री ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप जिसके ऊपर ना ये पूरे ऐसे पर्ल्स लगाए गए हैं। इनकी जो MRP है ना वो है 1199 रुपीज, लाइक 1200 रुपए एंड मैंने इनको इनके MRP पे ही परचेज किया है, इनमें कोई भी डिस्काउंट नहीं था। आई थिंक दीज आर वेरी यूजफुल पीस, आप इसको विथ ड्रेसेस, विथ वेस्टर्न वेयर एंड ऑल्सो विथ इंडियन वेयर भी यूज कर सकते हो एंड पहनने के बाद ये काफी सुंदर लगते हैं। आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विथ दीज फ्लैट्स
एंड अगर आपका इतना बजट है ना, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर दीज फ्लैट्स। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये काफी ज्यादा पसंद आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन का बेल है, आप उसको भी प्रेस करो ताकि यू गेट नोटिफाइड जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, बिकॉज आई एम सुपर एक्टिव देयर। ऑल्सो आई हैव टेकन 365 डेज चैलेंज ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों पे ही डेली फैशन एंड ट्रेवल का कॉन्टेंट शेयर करती हूँ। तो अगर आपको ट्रेवल एंड फैशन कॉन्टेंट में इंटरेस्ट है, सो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो। सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर यू गाइज। चलो मिलते हो अगली वीडियो में। बाय।